भाई बहन के पवित्र रक्षाबंधन त्योहार को लेकर बहनों ने बाजारों में खरीदारी शुरू कर दी है। कोरोना के चलते बाजारों में पहले जैसी रौनक तो नहीं रही, लेकिन फिर भी राखी की दुकानों पर थोड़ा आकर्षण जरूर बढ़ गया है। श्रावण मास की पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन, रक्षाबंधन शब्द आते ही भाई बहन के प्रेम भरे त्योहार की तरफ बरबस अपना ध्यान चला जाता है। और दो दिन बीच में शेष हैं, यानी रविवार को भाई बहन का ये पवित्र त्यौहार मनाया जाएगा। इसको लेकर अब बाजार में रौनक आ गई है। बहनें अपने भाइयों की कलाई पर प्रेम के धागे बांधने के लिए अपनी पसंद की राखियां खरीद रही हैं। तो आइए हम दिखाते हैं, इस वक्त मथुरा के हम कृष्णा नगर के बाजार में, और यहाँ देख रहे हैं दुकानें राखियों से सजी हुई हैं और हर तरह के राखियाँ हैं। बच्चों के लिए भी राखियाँ हैं, बड़ों के लिए भी राखियाँ हैं। और दुकान पर आप देख रहे हैं जो इस समय दुकान पर जो रौनक है वो केवल राखियों की है, और जो ग्राहक भी दिखाई दे रहे हैं वो केवल राखियों की खरीदारी करने वाले ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। और एक से एक नई तरह की राखियाँ जो बाज़ार में है चलन में, हर बार नई नई कुछ दिखते हैं। और ख़ासकर जब अगर राखियों की बात करें तो बच्चों की पसंद सबसे ज़्यादा इसमें मायने रखती है। बच्चे अपनी पसंद की खेल खिलौने वाली राखियाँ, अगर आप देखेंगे राखियों की तरफ तो तमाम अलग अलग तरह की राखियाँ हैं जो बच्चों की कलाई पर है तो अच्छी लगेंगी, साथ ही बच्चे उनसे अपना खेल भी खेल सकते हैं। तो ऐसे आइटम बाज़ार में तमाम आए। आइए जो दुकान स्वामी उनसे बात करते हैं कि इस बार बाज़ार में कैसा चलन है। आपका शुभ नाम? मेरा सर प्रदीप कुमार वर्मा नाम है सर। प्रदीप जी, अगर हम बात करें रक्षाबंधन की तो इस बार किस तरह की राखियाँ इस चलन में दिखाई दे रही हैं? सर इस बार जो राखी आई है मैट लुक के अंदर कलकत्ता डिजाइनिंग के अकॉर्डिंग चल रही है सर। इस बार ज़्यादा फैंसी माल इस बार नहीं ज़्यादा जा रहा है, सिंपल एंड सोबर केवल एज ए फॉर्मेलिटी के तौर पर राखी ली जा रही है। और बंदा उतनी ले रहा है जितनी उसको जरूरत पड़ रही है। पहले तो ये था कि एक सौ हाईफाई लेता था, अब कम से कम रेंज में और सिंपल एंड सोबर जा रही है सर इस बार। अगर आपकी बात करें तो दुकान पे आपकी पे किस कीमत की राखियाँ, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा किस कीमत की राखियाँ? सर मेरे पास कम से कम स्टार्टिंग था सर 5 रुपये की है सर, और एंड तो सर 200-250 रुपये तक चले जाता है सर। जिसका एक भाई है या दो भाई है या इसकी पोजिशन जैसी भी है सर उसके अकॉर्डिंग लेता है। और बाकी तो भाई बहन भाई का प्यार है भैया, इसमें चाहे एक की मान लो चाहे 1 लाख की मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, तो अगर हम बात करें तो इस बार कैसा सीजन चल रहा है, तो बिक्री कैसी हो रही है, दुकानदारी कैसी? हाँ सर इस बार और सीजनों के अकॉर्डिंग इस बार बहुत सीजन थोड़ा डाउन है, पर ये कि जिसको लेनी है वो तो राखी लेगा ही, लेकिन जो रौनक थी वो रौनक इस बार नहीं है भैया। अगर हम पिछली बार साल की बात करें तो उससे तो ठीक ठाक है, पिछली बार तो बहुत प्रकोप था। मुझे ज़्यादा अंतर नज़र नहीं आ रहा, पिछली साल इस साल में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है सर, क्योंकि आदमी ऑलरेडी पहले ही मर चुका था, पैसा उस पर पहले से था तो उसने उसको यूज़ कर लिया, अब उसने कमाया ही नहीं तो अब आगे कैसे यूज करेगा भाई। उसने 2019 में पैसा कमाया था, वो 2020 में खर्च किया, अब 2020 में कमाया ही नहीं तो 21 में कहाँ से खर्च करेगा? कम नहीं हो, अर्निंग नहीं हो, अर्निंग नहीं हो पाई उसकी, तो इस बार केवल नॉर्मल काम कर रहा है। सीधा बाजार पर फर्क दिखाई दे रहा है? बिल्कुल सर, 101% दिख रहा है सर, आप खुद देख लीजिए आगे क्या पोजिशन है, इसमें आप खड़े हो जाते खड़े नहीं हो पाते। मेरे पास तो भाई मेरे यहाँ तो इतनी बेहतरीन राखियाँ कलकत्ते वगैरह की आसपास की क्वालिटियाँ आप खड़े नहीं हो सकते। कहाँ कहाँ से आप राखी मंगाते हैं कलकत्ता के? सर मेरा माल आगरा से भी आता था, दिल्ली से, राजकोट से, ख़ास तौर से यहीं से माल आता है सर, और एक अलवर और है सर जो वहाँ से अनिल की राखी आती है सर, विष्णु वगैरह की राखी केवल विष्णु और शुभ कलकत्ता से आती है सर। ये बता रहे हैं कि इस बार राखियों की जो अगर बात करें तो केवल त्यौहार को मनाने के लिए एक औपचारिकता मात्र हो रही है, क्यों बहनों को अपनी भाई की कलाई सजानी है तो इसलिए, लेकिन जो उन्होंने कहा कि बाजार में जिस तरह से भीड़ होती थी, क्यों लोगों के पास कोरोना के चलते पैसा नहीं है तो बिना पैसे के ही बाज़ार की फिर रौनक कैसे हो, तो उसको आप देख रहे हैं। यहाँ तमाम ग्राहक हैं, आइए उनसे बात करें। आपने राखियाँ खरीदी हैं, क्या नाम है आपका? संगीता। तो आपने कितने भाइयों के लिए अपने राखी खरीदी? मेरे खास तो दो भाई और चाची ताऊ के बंदर लिए हैं हमने। अगर बात करें बाजार की तो बाजार में किस तरह की राखियाँ हैं, क्या सोच कर आप आई, किस तरह की खरीदी है? नहीं बहुत अच्छी राखियाँ हैं, कलाई वगैरह आपको नामों की भाई के नामों की भी आई हुई हैं, सारी तरह की राखियाँ हैं। बच्चे भी होंगे कुछ, भतीजे वगैरह? हाँ दो भतीजियाँ हैं, उनके लिए गुड्डे वाली लिए टेडी वो आती हैं जो डोरेमोन वगैरह की लिए। कैसी तैयारी की आपने रक्षाबंधन को लेकर? और बहुत बढ़िया की है, आए हैं ससुराल से अभी 4-5 दिन पहले। हाँ आपके ससुराल? मेरा दाऊ जी है। आपका शुभ नाम बताएं। बता बता दो भैया। देखिए ये बताने में थोड़ा संकोच हो रहा है, और भी ग्राहक में आप देख रहे हैं, तमाम ग्राहक हैं उनसे भी बात करते हैं
क्योंकि बहनों का ये उनका अपना त्यौहार है और इस त्यौहार पर बहनों का ही पूरा अधिकार है। बाजार में खरीदारी करें या कहीं भी जाएं तो इस वक्त केवल बाजार में उन्हीं की रौनक दिखाई दे रही है। आइए, और भी हैं, गुड़िया हैं, उनसे पूछते हैं। आपका क्या नाम गुड़िया? प्रियंका गौतम। प्रियंका, राखी खरीदने आई हो? हाँ जी। अभी तो रक्षाबंधन में दो दिन बाकी है, तीसरे दिन है, आज से ही तैयारी शुरू हो गई? हाँ जी, एक्चुअली मुझे अमृतसर जाना है, इस वजह से। भाई आपके अमृतसर में? हाँ जी, मैं अमृतसर से हूँ। अमृतसर से हूँ आप, तो मथुरा किस लिए आए? मथुरा स्टडी के पर्पज से। क्या करती हो आप? मैं बीएड कर रही हूँ। हाँ जी, तो आपने भाइयों के लिए यहाँ से राखी, ब्रज की राखी ले जा रही हो? यहाँ पे मतलब ज़्यादा अच्छा होता है फेस्टिवल, इस वजह से। राखी कुछ पसंद किया आपने? हाँ जी, हाँ जी। आप कौन सी राखी अपने भाइयों की कलाई के लिए पसंद किया? अभी ये पसंद आई है आपको? अभी तो यही आई है। तो और बार तो आप अमृतसर से खरीदती हैं, अमृतसर की और यहाँ की राखियों में कुछ अंतर दिखाई दे रहा है? हाँ, मतलब ठीक है, यहाँ पे भी फर्स्ट टाइम शॉपिंग कर रहे हैं, राखी की अच्छी है यहाँ की। और राखी के साथ भाइयों के लिए मिठाई भी ले जानी होगी? मिठाई ले जाओगी मथुरा से? मिठाई तो यहाँ पे मतलब रक्षाबंधन पे वो चलता है, घेवर चलता है, तो वही लेके जाएंगे ब्रिजवासी का। हाँ जी, वही पसंद है। हाँ जी, देखिए बहनों ने अपने भाइयों के लिए पूरी तैयारी कर ली है। अमृतसर से हैं, यहाँ आकर ये बीएड कर रही हैं, लेकिन बताया इन्होंने इनको जाना है तो अमृतसर जाएंगी, तो लेकिन अमृतसर के लिए भी मथुरा से राखियाँ ले जा रही हैं। तो जाहिर सी बात है कि ब्रज की जो राखी प्रेम का जो धागा है वो अमृतसर में जाके अपने भाई की कलाई पर सज जाएंगी। और मिठाई की बात की तो उन्होंने कह दिया कि सीधा ब्रजवासी का ही घेवर लेके जाएंगी, क्यों अगर मिठाई की बात हो तो फिर मथुरा से सब पीछे हैं और मथुरा की राखियों के साथ मथुरा की मिठाई भी है। आइए बाजार की और रौनक आपको दिखाते हैं कि किस तरह का नज़ारा है मथुरा के बाजार में। अगर हम बात करें कृष्णानगर की, मौली रोड की, छत्ता बाजार, होली गेट हो या चौक बाजार हो, धौलपिया हो, हर जगह बाजार में अब केवल भाई बहन का जो त्यौहार है उसकी रौनक दिखाई दे रही है। हालांकि बाजार को जैसा दुकानदार बता रहे हैं कि ग्राहकों ने इस समय कोरोना ने बाजार को बिल्कुल एकदम जो कहना चाहिए रौनक को छीन लिया है, बाजार पिट गया है, लेकिन फिर भी रक्षाबंधन के त्यौहार ने फिर एक तरह से इस बाजार को थोड़ी ऑक्सीजन दी है और बाजार में चहल पहल दिखाई दी है, थोड़ी रौनक आई है। तो आइए नज़ारा दिखाते हैं मथुरा के बाजार का। आइए और दिखाते हैं राखियाँ, देखिए दुकान में केवल महिलाओं की भीड़ दिखाई दे रही है। जाहिर सी बात है कि अपने भाइयों के लिए राखियाँ खरीद रही हैं। आइए इनसे जानते हैं। बुढ़िया, क्या नाम है आपका? उन्नति खंडेलवाल। क्या खरीदने आई हो? राखियाँ। कितने भाई हैं आपके? दो भाई हैं। तो कौन सी राखी पसंद की है? अभी की नहीं की? आपने किया? हाँ, दोनों बहनें साथ में अभी राखियाँ पसंद करके लेकर आ रहे हैं। बार कैसे राखी खरीद रही है, पिछली बार कैसी थी, उससे कुछ अलग है? अब की बार कुछ कुंदन में और कुछ मतलब मोती में उसमें खरीद रहा है, और लास्ट ईयर जर्किन में खरीदी थी ज़्यादातर। कैसी तैयारी की है रक्षाबंधन की? बहुत अच्छे से, हाँ, लॉकडाउन के साथ अच्छे से कोरोना से सपोर्ट में करके अच्छे से सेलिब्रेट करने की, कोरोना का भी ध्यान रखने के प्रोटोकॉल का भी ध्यान रखेंगे और अपना भाई बहन का जो त्यौहार है उसको भी खूब मजे से मनाएंगे। आइए और भी देखिए, यहाँ आंटी भी हैं और भी तमाम लोगों के साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? अनीता चामलेट। क्या आप भी राखी लेने ही आई होंगी? जाहिर सी बात है जी, फैमिली के लिए राखी, क्योंकि बाहर भी पोस्ट करनी होती है और अपने परिवार में भी जरूरत होती है। अभी पसंद की नहीं की? नहीं, अभी सिलेक्ट हो रही है, क्योंकि साल का त्यौहार होता है तो जो बेस्ट राखी होगी वही चूज़ करनी होती है। फिर भाई बहन का मामला है तो उसमें तो फिर बेहतर से बेहतर नहीं है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, तो इसलिए जो सबसे अच्छी होगी वही चूज करनी है। आपका अंजू, कोई राखी पसंद आई भाई के लिए? नहीं, अभी अभी तो आई हूँ, बस देख रही हूँ। हाँ, क्या सोच के आई हो, किस तरह की राखी लेनी है आपको? कुछ नया पैटर्न में जाए, लुक हो, वो देखिए भाई की कलाई पे अच्छी लगे, ऐसी राखी मिलना चाहिए। बढ़िया, इधर आओ। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? परी। परी, किस लिए आई हो यहाँ? राखी खरीदने भाई के लिए। क्या नाम है भाई का? बंस। तो बंश को कैसी राखी पहनाओगे आप? अच्छी सी। कौन सी राखी पसंद की? अभी कोई की राखी पसंद की? नहीं। अच्छा, राखी के साथ उसको और क्या दोगे आप? चॉकलेट। चॉकलेट और मिठाई भी? कौन सी मिठाई पसंद है आपको? मुझे तो जलेबी। और भाई को? भाई को भी। ये जाहिर सी बात है, ये ब्रज की बालिका है,
तो मिठाई की बात आई तो बिना संकोच के बता दिया, जलेबी पसंद है भाई के लिए, चॉकलेट भी लेने आई हैं। तो रक्षाबंधन को आप देखिए, भाई बहन का बड़े हों या बच्चे हों, हर एक के भीतर एक उत्साह है और भाई बहन के इस त्यौहार को बहुत अच्छे से मनाने के लिए सब लोग बाजार में हैं, राखियाँ पसंद कर रहे हैं और अपने इस त्यौहार को अच्छे से मनाने का उनका जो मन का विचार है, संकल्प है, उसके लिए तमाम लोग आप बाजार में किसी भी दुकान पर देखें, अगर जहाँ राखियों की दुकान है तो वहाँ पर केवल महिलाओं की भीड़ दिखाई दे रही है। और आपको हम दिखा रहे हैं मथुरा के कृष्णानगर की ये दुकानों की रौनक है। आइए बाजार के और भी बाजार हैं मथुरा के, होली गेट से लेकर छत्ता बाजार तक बाजार में यही हाल है। और कृष्णानगर के अलावा चौक बाजार में, धौली प्याऊ, आर समाज रोड, माउली रोड, डिग गेट, हर जगह पर इसी तरह की रौनक बाजार में दिखाई दे रही है। आइए और दिखाते हैं दुकान पर, तमाम महिला राखी खरीदने आई हैं और यहाँ दुकान जो दुकान स्वामी है वो भी महिला, आइए उनसे जानते हैं, इसमें बेहतर वही बता सकती हैं। आपका शुभ नाम? नेहा सिंह। नेहा, अगर बात करें इस बार रक्षाबंधन पर, आप तो खुद दुकान पर हैं, कैसा है इस बार का मार्केट? बिल्कुल ही डाउन चल रहा है, पिछली साल तब भी थोड़ा सा हल्का ठीक था लेकिन इस बार तो बिल्कुल ही लो है, पूरी दिन ऐसे बैठे रहते हैं खाली, ऐसे कि जैसे कि लॉकडाउन चल रहा है उस तरीके से दुकानदारी हो रही है। क्या लग रही है, क्यों इस बार ज़्यादा रौनक नहीं? पता नहीं, या तो लोगों के पास काम धंधे की कमी है, दूसरी बात ये कि महंगाई बहुत है, तीसरी बात ये कि लॉकडाउन में लोगों ने पैसा कमाया ही नहीं, घर पर बैठे थे तो शॉपिंग कहाँ से करें, तीनों ही रीज़न है। और कुछ डर की वजह से भी नहीं कर रहे हैं लोग शॉपिंग कि कोरोना नहीं हो जाए, बीमारी का भी डर है लोगों को, पर इसमें दुकानदार व्यापार तो बिल्कुल ही फेल हो रहा है, जो हमने रकम लगा के बैठे हैं हमारी वो पूरी नहीं निकल रही है। आपने जो महंगाई की बात की है तो इस बार राखियों के रेट में कितना अंतर दिखाई दे रहा है? जैसे पहले जो हमें 10 रुपये की राखी मिलती थी अब वो हमें 15 रुपये की मिल रही है, इतनी महंगाई तो राखियों पर हो गई, हर चीज़ महंगी हो रही है, कंपनी का आइटम लो कैसा भी लो सब पे महंगाई। आपके यहाँ किस कीमत की राखी है, कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा? कम से कम कीमत 50 रुपये और बहुत ही लो 5 रुपये। 5 रुपये की भी है और अधिकतम ऐसे 80-90 रुपये तक की भी है, सभी तरह की रेंज लोग खरीदते हैं। अभी 2 दिन बाकी हैं और उम्मीद है थोड़ा 2 दिन में बढ़ेगी कुछ खरीदारों की? पता नहीं, उम्मीद तो लगा के बैठे हैं, तो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा ये पता नहीं भाई साहब। यही बात सामने आ रही है, बाजार से निकल कर लोगों से बात कर रहे हैं, खरीदारी करने जरूर आ रहे हैं, तो भाई बहन का त्यौहार है, रक्षाबंधन तो मनाएंगे ही, भाई की कलाई पर प्रेम का धागा तो बहनें बांधेंगी, लेकिन बाजार में जो उत्साह के साथ जो दिक्कत था, भीड़ रहती थी, तो और भी जो दुकानदार यही बता रहे हैं कि खरीदारी बस केवल एक त्यौहार मनाने की औपचारिकता रस्म निभाने के लिए की जा रही है। बाजार में जैसा बताया भी है कि लोगों के पास या तो पैसे की कमी है और कुछ लोग कोरोना के संक्रमण की वजह से डर रहे हैं और तीसरी बात महंगाई बढ़ गई है, तो ये कई कारण है जिसकी वजह से बाजार में वो उत्साह नहीं है जो 2019 में था, 20 में भी कोरोना के समय थोड़ा ठप रहा और इस बार तो और ज़्यादा मार्केट, उम्मीद की जा रही थी कि इस बार थोड़ा मार्केट सुधरेगा लेकिन मार्केट में से एकदम जो रौनक है वो गायब है। बहरहाल लोग आ रहे हैं और दुकानों में भीड़ भली ज़्यादा नहीं है लेकिन इक्का दुक्का दुकानदार में आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं दुकान में ख़रीदारी कर रहे हैं और क्योंकि रक्षाबंधन का त्यौहार तो भाई बहन का पर्व है, ये तो मानेगा ही, हम भी ये चाहते हैं कि आप कोरोना का समय चल रहा है तो पूरी सावधानी बरतते हुए अपने त्यौहार को अपने घर में रहकर बाजार से राखियाँ खरीदें और बड़े ही आनंद के साथ मनाएं क्योंकि भाई बहन के प्रेम का ये जो अनूठा त्यौहार है इसमें सब हंसी खुशी से इसको आनंद के साथ मनाएं। जी 9 न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी, मथुरा।